हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए, जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या करने वाले हैं और किस दिशा में एफर्ट करें तो आपको सफलता मिलेगी, माली हालत आपकी कैसी रहेगी और धन धान की स्थिति कैसी रहेगी, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और किस फील्ड में नौकरी मिलेगी, पदोन्नति कब होगी, स्थानांतरण का क्या योग है, नए तरह के कार्यों से आपको क्या लाभ मिलेगा और आपके घर में किलकारी गूंजेगी या सहनाई बजेगी, ये सब भी बताने वाले हैं। और नए तरह का क्या कार्य हो सकता है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या होगा और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें की जानकारी हम आपको देंगे। यदि आपको ज्योतिष में यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई मन में प्रश्न है तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखें, जन्मतिथि लिखें, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके मुझे भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए कि जो वृष राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा, आज आप कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ करके करें, बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत न करें, क्योंकि आप बीच में ही कार्य को रोक देते हैं और आलस्य के नाते अपना काम आज नहीं कल कल पर टालते रहते हैं और कल कभी आता नहीं है और आपका मन जल्दी एकाग्र नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता और आप जल्दी लाइनअप नहीं हो पाते। तो जरूरत है आज आपको लाइनअप होने की और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, अवसर मिलेगा, जिस अवसर को अगर आप सदुपयोग करें तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। आज नए तरह का व्यापार, नए तरह के कार्य, सरकारी नौकरी और भी अन्य कार्य में आज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ लेने की जरूरत है। आलस्य का परित्याग करना है और प्लानिंग करके अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। तो अपने को थोड़ा सा फोकस होकर के और एनर्जी लेवल अपना अच्छा बढ़ा करके कार्य करना है। कई बार लगता है कि एनर्जी लेवल आपका साथ नहीं दे रहा है, आप विभिन्न प्रकार के चिंताओं में घिरे रहते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको अगर कोई प्रगति करना, कोई नया तरह का कार्य करना है तो चैनलाइज होकर के करना आपके लिए बेहतर होगा। यदि आज आप किसी परीक्षा के एग्जाम दिए हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, फिल्मी दुनिया में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, साहित्य सृजन करना चाहते हैं या संगीत लिखना चाहते हैं या कोई भी रचनात्मक कार्य जो ललित कला से संबंधित है आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन सर्वाधिक बेहतरीन है। यदि आज आप इसकी शुरुआत करते हैं तो आज आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और यश पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि का भी योग बन रहा है और आपकी जो बहुत दिनों से चली आ रही परेशानियां हैं, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे सामाजिक संकट हो, चाहे घर से संबंधित समस्या है, समस्त समस्याओं का समूल समाधान होने का योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने को चैनलाइज करना है और कार्य की शुरुआत करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें और सफेद वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी गरीब महिला हो तो उसको भोजन आज जरूर करावें और अगर कोई गरीब विद्यार्थी उसको पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है स्काई ब्लू।